अभी मैंने कोर्ट में बता दी, आर्ग्यूमेंट कर दी, सारा चीज़ें तो कर दी, आप लोगों ने सुन लिया। अब आप क्या मैं दोबारा आर्ग्यूमेंट कर दूँ? मेरे जनाब आज हमने जो एप्लीकेशन दी थी, जो रेफरेंस फाइल किया गया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, इसको क्वाश किया जाए, इसको खारिज किया जाए, क्योंकि कानून के नीचे ये जो केस है ये नैब का केस नहीं है, ये बैंकिंग कोर्ट का केस है। जो इस वक्त मुल्क में दो कानून हैं, एक है नैब लॉ और एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी और फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस 2001। जितने भी केसेस होते हैं डिफ़ॉल्ट के, वो कानून ये है कि वो बैंकिंग कोर्ट चलाएगी, नैब नहीं चलाएगी। उसके अलावा इसमें जो खामी है, इन्होंने कहा है कि विलफुल डिफ़ॉल्ट की गई है, पार्थनन ने लोन लिया 1.5 बिलियन का और वो फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया गया और पैसे वापस नहीं किए गए, विलफुल डिफ़ॉल्ट की गई है। कानून में यह है, नैब लॉ में यह है कि अगर विलफुल डिफ़ॉल्ट का केस है तो आपको रेफरेंस आना चाहिए गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से। इस केस में गवर्नर स्टेट बैंक ने कोई रेफरेंस नहीं दिया। उसके अलावा नैब लॉ ये भी कहता है कि एक नोटिस देंगे 30 दिन का, अगर जो बॉरोअर है वो अगर पैसे नहीं देता तो 30 दिन का नोटिस देना चाहिए बैंक को, और बैंक ने ये नोटिस भी नहीं दिया। उसके अलावा यह है कि 7 दिन का नोटिस स्टेट बैंक को देना चाहिए, स्टेट बैंक ने भी वो नोटिस नहीं दिया। और जो बोरोअर कस्टमर है वो पार्थनन पीबीटी लिमिटेड है, उसका आसिफ अली जरदारी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब पार्कलेन पीबीटी लिमिटेड के डायरेक्टर थे, पर सितंबर 2008 से वो डायरेक्टर नहीं रहे। ये जो लोन दिया गया, जो बोरोअर है वो पार्थनन है, उसके अपने डायरेक्टर्स हैं, अपने शेयर होल्डर्स हैं, पार्कलेन के अपने डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं। पार्कलेन ने खाली अपनी ज़मीन जो है वो मॉर्गेज गिरवी करवाई थी बैंक के पास। तो केस तो फाइल हो सकता है पार्थ जो बोरोअर होता है, कस्टमर होता है। आसिफ अली जरदारी साहब तो डायरेक्टर भी नहीं रहे थे सितंबर 2008 से, लोन डिस्पर्स हुआ था अक्टूबर 2009 के अंदर। तो आसिफ अली जरदारी साहब पर ये कोई केस नहीं बनता, नंबर वन। नंबर टू, ओवरऑल भी ये केस नहीं बनता, ये केस आता है ज़ुमरे में बैंकिंग कोर्ट के, और इसको बैंकिंग कोर्ट में जाना चाहिए, नैब की ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती है। अगर नैब की ज्यूरिडिक्शन भी बनती है तो वो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिसेज हैं और स्टेट बैंक का जो रेफरेंस है वो नहीं है। इसकी वजह से हमारी इल्तजा है कोर्ट से कि इस रेफरेंस को खारिज कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।